गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो चलिए, आपका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले हम भगवान जी को याद कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर ही अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। तो चलिए, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। सुबह सवेरे करते प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे करते प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में नव भारती पुस्तक में पेज नंबर 83 पर दिए गए लेसन नंबर 14 को रीड करेंगे, जो कि एक कविता है, बढ़े चलो। तो आप अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ पाठ में आने वाले कठिन शब्द पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। फर्स्ट वर्ड है वीर। वीर का अर्थ है बच्चों बहादुर। पहाड़, पहाड़ मैंने पर्वत। निडर, निडर का अर्थ है जो किसी से ना डरे, बिना डरे सब काम करे। ध्वजा, ध्वजा, ध्वजा का अर्थ है झंडा। नेक्स्ट मेघ, मेघ का अर्थ है बादल जो वर्षा करते हैं, है ना। नेक्स्ट बिजलियां, बिजलियां आपने देखा है बारिश आने से पहले जब आसमान में काले मेघ छा जाते हैं और बारिश से पहले क्या करती है, बिजली। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे बिजलियां एक वचन है या बहुवचन, एक से ज्यादा, तो क्या हुआ बिजलियां। तड़क, यह एक साउंड है किसकी, बादलों के गरजने की। अब हम कविता में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। फर्स्ट है पहाड़, पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वत। क्या अर्थ है पहाड़ का, पर्वत। आप सब मेरे साथ बोल करके रेटिंग करेंगे बेटा। नेक्स्ट है वीर, वीर, वीर का क्या अर्थ है, बहादुर। नेक्स्ट
मेघ का क्या अर्थ है? बादल। तो चलिए नाउ ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बेटा इसमें वीर तुम बढ़े चलो, कवि क्या कह रहा है कि हे वीर बहादुर और धैर्य रखने वाले, धीर का अर्थ है धैर्यवान, जिसमें धैर्य हो। तो हे वीर तुम अपने मन में धैर्य रख करके आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा का अर्थ है झंडा, अपने हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, बाल दल सजा रहे, दल का अर्थ बच्चों समूह, कि बच्चों का जो समूह है वो हाथ में ध्वज लिए हुए और मन में धैर्य रखे हुए बहादुरी के साथ आगे बढ़ता रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, और यह झंडा जो है कभी भी झुके नहीं, नीचे ना झुके, दल कभी रुके नहीं, और यह जो समूह है यह हमेशा आगे बढ़ता रहे, कभी भी मुश्किलों से डर करके, रुकावटों से डर करके रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कि हे वीर और धैर्यवान बच्चों हमेशा आगे बढ़ते रहो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुमने डर हटो नहीं, तुमने डर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों इसमें कहा गया है सामने पहाड़ हो, पहाड़ यानी रुकावट, जैसे पहाड़ आने पर रुक जाते हैं, तो पहाड़ का अर्थ बेटा इसमें पर्वत अर्थ होता है, लेकिन इसमें मुश्किल कहा गया है कि यदि तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आ जाए, सिंह की दहाड़ हो या कोई सिंह जैसे शेर ऊंचा बोल करके डराता है ना सबको, तो यदि तुम्हें किसी के कारण भी कोई तुम्हें डराना चाहे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम निडर हटो नहीं, तुम्हें बिना डरे हुए, निडर का अर्थ है बिना डरे किसी से, तुम्हें वहाँ से अपने रास्ते से अपने पथ से हटना नहीं है, तुम निडर डटो वहीं, जो तुम्हारा लक्ष्य है तुम उसी की तरफ बढ़ते रहो और अपने अटल विश्वास पर बने रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीर बच्चों अपने मन में धैर्य रखते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ। मेघ गरजते रही, मेघ बरसते रही, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसमें क्या कहा गया है बच्चों,
मेघ गरजते रहे। मेघ का अर्थ होता है बादल, तो चाहे बादल गरज करके, आवाज करके या बरस करके, बारिश वर्षा करके, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, तो क्या करना है? डर जाना है? डरना नहीं है। बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें, चाहे बिजली आवाज करे, तड़क बारिश करे, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन तुम्हें बिना डरे। वीर बालकों, हमेशा मन में धैर्य के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो बच्चों, इस कविता से आपको क्या संदेश मिला है? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं। जो वीर यानी बहादुर लोग होते हैं, बहादुर बच्चे होते हैं, वे हमेशा बिना किसी से डरे हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, आगे निरंतर लगातार बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है यह कविता किसने लिखी? आप सब मेरे साथ बोलेंगे, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो बेटा, यह कविता जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है, और बहुत सुंदर कविता है, हौसला देने के लिए वाली कविता है। और बच्चों को यह कहा गया है कि हमेशा बिना डरे, हौसले और हिम्मत के साथ सदा आगे बढ़ते रहो। तो बच्चों, आज हम अपनी इसी कक्षा में व्याकरण का टॉपिक लिंग को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। आप उसमें बहुत ध्यान से पिक्चर को देख करके आंसर करिएगा, ठीक है? आपको मालूम है बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? बताइए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह लड़का है, उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए। पुल्लिंग। और जिससे हमें यह पता चलता है कि यह लड़की है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। तो अभी आपको मैं फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी, आप बताएंगे वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। बतख, यह बतख है ना, अब आप बताइए यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। आपको क्या बताया गया था, कैसे पहचान करेंगे आप? अच्छा या अच्छी लगा करके। अब आप पहले ये बताइए, बतख अच्छा होता है या अच्छी होती है? अच्छी होती है। तो बतख क्या हुई? स्त्रीलिंग। शाबाश। अब आप बताइए, ऊंट अच्छा होता है या अच्छी? ऊंट कैसा होता है? अच्छा। तो क्या हुआ? पुल्लिंग। तो बेटा, यह तो आपने सीखी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान। तो अब आप मुझे लिंग बदल करके कैसे देखा जाता है यह सीखेंगे। अभी आपने देखा ऊंट, ऊंट है पुल्लिंग। तो ये ऊंट को अगर हम लिंग चेंज करेंगे बच्चों, तो आप क्या बनाएंगे? जेंडर सीखे है ना आपने इंग्लिश में भी, तो इसी तरह से आप लिंग बदल करके बताइए, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटनी। क्या होगा? ऊंटनी। इसी तरह से बकरी, यह क्या है? बकरी। बकरी क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। तो आपको यदि इसका लिंग बदलना है
तो आप इसे किस में बदलेंगे? पुलिंग में। और बकरी का पुलिंग क्या होगा? बकरा। क्या होगा? बकरा। आप सब बच्चे बोल करके बताएंगे बेटा आंसर। अब आप बताइए यह क्या है? मोर। मोर अच्छा होता है या अच्छी? अच्छा। तो यह पुल्लिंग शब्द हुआ। अब आप मोर का स्त्रीलिंग बताएंगे? मोरनी। शाबाश। उसके बाद यह कौन है? घोड़ा। और घोड़ा अच्छा या अच्छी? अच्छा। तो पुल्लिंग हुआ। अब आप इसका स्त्रीलिंग बताइए। घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। क्या होगा? घोड़ी। शाबाश। अब आप ये बताइए यह क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। यह क्या है? आदमी। क्या है? आदमी। और आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत। क्या होगा? औरत। और बेटा एक और बता सकते हो इसका? पापा। पापा का भी बता सकते हो ना? क्या होगा पापा का? क्या होगा स्त्रीलिंग? मम्मी। वेरी नाइस। अब आप बताइए यह क्या है? राजा। और राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजा पुल्लिंग है ना, राजा अच्छा होता है। और राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। क्या होगा? रानी। और यदि आपसे बच्चों मैं यह पूछूं कि यह क्या है? रानी। और रानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। और यदि आपसे इसका लिंग बदलना पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रानी का पुल्लिंग राजा। क्या बोलेंगे? राजा। नेक्स्ट बताइए यह क्या है? शेर। शेर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। शेर अच्छा होता है। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। शाबाश। अब आप मुझे बताएंगे यह क्या है? हाथी। हाथी है ना? हाथी स्त्रीलिंग है? नहीं, क्योंकि हाथी जो है वो अच्छा होता है, तो पुल्लिंग शब्द है। अब आपको इसका लिंग बदलना है तो आप क्या बनाएंगे? हथिनी। हथिनी नहीं बोलेंगे आप। क्या बोलना है सबको? हथिनी। तो बेटा अभी आपने लिंग की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सीखे है ना, अच्छे से आपने सबको जान गए। तो अब आपको एक छोटी सी वर्कशीट दी जाएगी, आपको उसमें लिंग बदल करके प्रैक्टिस करनी है। अब आप इस वर्कशीट को आपको कैसे करना है ये जान लीजिए। आपके पास बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सही लिंग चुनकर लिखो। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपको पुल्लिंग शब्द भी दिए गए हैं और स्त्रीलिंग शब्द भी। तो आपको आप सबसे पहले ये देखिए, ये देखना है मौसा। क्या लिखा है ये? मौसा। और आप बताइए मौसा जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, क्योंकि अच्छा होता है। तो मौसा का आपको स्त्रीलिंग लिखना है। तो ढूंढिए इसमें मौसा का क्या स्त्रीलिंग होगा? मौसी। तो आप क्या लिखेंगे? मौसी। उसी तरह से यह क्या लिखा है? चूहा। चूहा पुल्लिंग है या
पुलिंग, चूहा अच्छा होता है, तो आपको इसका क्या लिखना है, स्त्रीलिंग। अब ये क्या बनेगा, चूहा चूहिया, चूहा का क्या बनेगा, चूहिया। और बच्चों आपको याद रखना है, जब भी आप मात्रा लगाते हो तो बोल करके ध्यान से लगाना है कि कौन सी मात्रा आपको लगानी है। नेक्स्ट है हथीनी, हथीनी यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, सोच करके बताइए, अच्छा या अच्छी, अच्छी। तो स्त्रीलिंग को आपको किस में बदलना है, पुलिंग में, ढूंढ करके बताएंगे, हाथी। उसके बाद चींटी, चींटी का क्या होगा, चींटी पुलिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो चींटी का क्या होगा, चींटा, है ना, पुलिंग हो गया। और फिर बकरी, पुलिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो बकरी का पुलिंग क्या होगा, बकरा। तो बेटा आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ करके समझ करके लिखना है। यदि आपको पुलिंग शब्द दिया जाता है तो आपको उसका स्त्रीलिंग लिखना है, और यदि स्त्रीलिंग शब्द दिया जाता है तो आपको उसका पुलिंग लिखना है। तो बच्चों अब आप इस दी गई वर्कशीट में जो शब्द दिए गए हैं उनके सही लिंग चुनकर लिखेंगे। आज के लिए हमारा सुलेख है, सदा सच बोलो, हमें सदा सच बोलना चाहिए। आज के लिए हमारा सुविचार है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो लोग मेहनत करते हैं वे हमेशा जीतते हैं। आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, इस कविता को याद करें व लिंग का अभ्यास करें, वे वर्कशीट को सॉल्व करके भेजें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।